हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आधार सेंटर खोलने के लिए जो आपको महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सबसे पहले आधार का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सुपरवाइजर ऑपरेटर। फ्रेंड, चलिए आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करें और कैसे अपॉइंटमेंट लें, फिर एग्ज़ाम दें, सारा जानकारी बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। गूगल ओपन करके UID एग्ज़ाम सर्च करें गूगल पे। सर्च करने के बाद आपको होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में यहाँ पे साइन इन और क्रिएट न्यू अकाउंट, चलिए क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अपलोड XML फाइल। दोस्तों, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं होगा तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, बना सकते हैं XML फाइल। चलिए हम सेव करके रखें, यहाँ से अपलोड कर देते हैं। देखिए यहाँ से हम इसको अटैच कर देते हैं, यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, सक्सेसफुली हो गया। और यहाँ पे पासवर्ड मांगता है कि आप बनाने समय जो XML बनाए थे उसमें जो डाले थे वही इंटर करें। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर कर दें जो आपका आधार में रजिस्टर्ड है। चलिए प्रोसेस पूरा करते हैं, सक्सेसफुल हो गया, OTP सेंड हो गया। OTP सेंड होने के बाद देखिए OTP इंटर कर देने के बाद यहाँ पे टिक लगा के एग्री करके और यहाँ पे ईमेल ID सर्च करना है। ईमेल ID डाल दें, ईमेल के बाद यहाँ पे शेयर XML पे क्लिक करना है। नेट स्लो है दोस्तों, वेट करें। क्लिक करने के बाद आपका 100 आधार डिटेल हो जाएगा, यहाँ पे कंफर्म कर दें। देखिए आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, मोबाइल में आ जाएगा ID एंड पासवर्ड, आपका स्क्रीन पे शो करेगा, आप इसको नोट करके रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप लॉगिन ID और पासवर्ड इंटर कर लेते हैं। इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको पहले पासवर्ड चेंज करना होगा, तो पहले आप ओल्ड पासवर्ड इंटर करें जो आपका पुराना मैसेज गया होगा मोबाइल में जो डिस्प्ले पे शो हुआ था। उसके बाद आप नया पासवर्ड चूज करें, फिर आपको यहाँ पे हिंट क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर यहाँ पे आपको टाइप करना है। करने के बाद आप यहाँ पासवर्ड चेंज कर देंगे, योर पासवर्ड सक्सेसफुली हो गया चेंज, यहाँ पे टिक लगा के एग्री करें। एग्री करने के बाद कंटिन्यू में जाएं। देखिए यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल पूछ रहा है, सबसे पहले एजुकेशन डिटेल यहाँ पे पूछ रहा है। आपका जो एजुकेशन है आप सेलेक्ट कर लें। फिर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, आप ऑपरेटर का देना चाहते हैं या फिर चाइल्ड इनरोलमेंट का देना चाहते हैं, आप यहाँ पे लैंग्वेज इंटर कर दें। चलिए हम हिंदी में देंगे, हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। और आप यहाँ पे एजेंसी कि आपका कौन सा एजेंसी से रजिस्टर्ड होगा आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। चलिए हम CSC गवर्नमेंट से सर्च कर लेते हैं। CSE गवर्नमेंट, चलिए आगे आपका नाम फिलअप है। आप एक टेस्ट के लिए स्टेट सेलेक्ट करना है, आप कौन सा स्टेट का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप लेना चाहते हैं कौन सा सेंटर। चलिए हम सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, हजारीबाग। यहाँ पे फाइनल हो गया है, सिर्फ
कंफर्म करें, है ना, और सबमिट कर दें। आप मिला लें कि आपका क्या है नहीं है त्रुटि, टोटल आप मिला सकते हैं, उसके बाद आप फाइनल यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। चलिए हम सबमिट कर देते हैं। देखिए सबमिट हो गया, सिर्फ आपको पेमेंट बचा है। आप अगला ऑप्शन पेमेंट के लिए हम पेमेंट मोड पे क्लिक करते हैं और ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा फ्यूचर मिल जाएगा पेमेंट के लिए, जैसे आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।